नमस्कार स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम रेडी हैं, जिसमें हम 31 से अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उनका यूपीएससी वाले ही क्वेश्चंस की आगे ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जिसका अंदर इसमें है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सेपरेशन ऑफ आयन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अकॉर्डिंग टू देयर। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए चार्ज टू मास रेशो, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लिजर पाइन, और इसका आंसर भी होना चाहिए रोवोल्फिया सरपेंटिना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के लिए जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है, तो उसके लिए यूज़ होना चाहिए पोटाशियो मर्क्यूरिक आयोडाइड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रिसीजन ऑफ एनालिटिकल मेथड और एसे ऑफ ड्रग्स इन फॉर्मुलेशन विद इन लेबोरेटरी कंडीशन लाइक डिफरेंट डेज डिफरेंट एनालिस्ट एट्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका आंसर डाउट में है, इसमें मे बी डी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका आंसर डाउट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन एक्वस सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ सॉल्वेंट, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस सेल, इसका आंसर मे बी डी पोटाशियम क्लोराइड होना चाहिए, श्योर नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनेबल इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ D2O, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, मर्केप्टो एसिटिक एसिड इन ए सॉल्यूशन बफर्ड विद अमोनियम सिट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म ए पर्पल कलर्ड विद कॉम्प्लेक्स विद, एंड देन इसका नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिटेंशन फैक्टर ऑफ एनालाइट एनालाइज्ड बाय HPLC इफ इट्स रिटेंशन टाइम दिया हुआ है 8 मिनट एंड देन रिटेंशन टाइम ऑफ रिटेन्ड पीक इज 2 मिनट, तो उसका हमें रिटेंशन फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन सॉल्यूशन इन इथानॉल इफ इट्स एब्जॉर्बेंस इन 1 सेंटीमीटर सेल एट 241 नैनोमीटर वाज फाउंड टू बी दिस, तो इसके भी चार ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन एन एसे ऑफ फेरस सल्फेट बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट सेरिक सल्फेट यूजिंग फेरोइन एज एन इंटरनल रिडॉक्स इंडिकेटर ए रेड कलर ऑफ सोल्यूशन इन टाइट्रेशन वेसल बिफोर एंड पॉइंट इज ड्यू टू, मे बी इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है, हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ, और इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इज़ ए मेजर ऑफ, तो आयोडीन जो वैल्यू हम निकालते हैं वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट इन फैटी एसिड्स, उसके लिए हम आयोडीन वैल्यू निकालते हैं कि किस तरह उसमें फैटी एसिड में अनसेचुरेशन उसकी प्रेजेंट है। एंड देन इन एन एसे ऑफ बोरिक एसिड बाय द एक्विस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ग्लिसरिन इज एडेड, इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड, यही इसका 99% लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास, इसमें बताना है कि कौन सी पैसिव इम्यूनिटी जो है वो हमारे को प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसका ऑप्शन होना चाहिए। देन आई कंसीडर द फॉलोइंग वैक्सीन, ये चार वैक्सीन दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा
करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी के वाइज कि डीएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, लाइव एटीनेटेड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो उसका वो सीरीज लिखवानी है सीक्वेंस वाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन एंड कोड फॉर मेजर हिस्टा कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू, उसका भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर डज नॉट रिक्वायर वाइटम के ड्यूरिंग ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस, कौन सा नहीं चाहिए। फैक्टर 8 तो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, बट इसमें ये अलग क्वेश्चन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद ड्रग्स इन प्लाज्मा, ये इसका ऑप्शन एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ये भी डाउट में ही है, श्योर नहीं है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सा मेथड यूज नहीं होता है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। देन ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, टाइप ऑफ ग्लोबुलिन और उनके फंक्शन, तो उसमें चार इनको आपस में मैच करके बताने कि कौन से ये करेक्ट सीरीज में लगे हुए हैं। देन नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है कि मर्करी जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, तो उसकी इंटेंडेड फॉर यूज़ आइज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उसमें कितनी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेंट फॉर ग्रांट ऑफ रिटेल लाइसेंस इन फॉर्म 20 और फॉर्म 21 और बोथ इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रेमिसेस विच इज़ इन आर इन एरिया नॉट लेस देन, कितने एरिया जो है शॉप खोलने के लिए जगह चाहिए वो कितने एरिया से कम नहीं होनी चाहिए। देन हमारे पास परमिटेड सिंथेटिक ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक एंड नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स यूज इन कॉस्मेटिक शैल नॉट कंटेन मोर देन, तो इसमें आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन दी है, तो बताना है कितने कितने उसमें लिमिट होनी चाहिए। टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड शुड नॉट कंटेन फ्लोराइड मोर देन, तो वैसे तो बच्चों के लिए होता है कि 1000 ppm से कम होना चाहिए और बड़ों में होता है कि 1500 और 1600 के बीच में होना चाहिए, पर इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि 1000 ppm होना चाहिए। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग अदर देन दो शेड्यूल इन शेड्यूल सी एंड C1 शैल बी मेड टू द लाइसेंस अथॉरिटी। देन नेक्स्ट 58, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन शेड्यूल एक्स आर इशू बाय द स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी विच आर रिक्वायर फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसमें ऑप्शन ए 20 एंड 21 ही होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग स्पेसिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 विल नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल एक्सेप्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो शेड्यूल एच और H1 एंड X, इन तीनों के अलावा हम इन शेड्यूलों में हमारे ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम दवाई नहीं दे सकते, तो इसका ऑप्शन B होना चाहिए। देन 60th क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, द मेडिकल डिवाइस शैल कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन बाय द, तो उसमें WHO, USFDA, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, देन ISO, IAC, तो इसका ऑप्शन B लग रहा है 1, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।